अभी तो सिर्फ जैकेट उतारी है, शर्ट उतारने के लिए मजबूर मत करो शालीन। सलमान खान का ये वाला तेवर में पता नहीं कितने दिनों से देखने के लिए तड़प रहा था कि सलमान ये वाले तेवर कब दिखाते हैं, और हमें ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। कल के एपिसोड में हमें ये सलमान के तेवर देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से शालीन ने एक डॉक्टर के साथ मिसबिहेव किया था और ख़ुद को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझ रहा था, हमने एक दो दिन पहले ही देखा था ना, जहाँ ये शालीन कह रहा था साजिद खान से कि साजिद भाई किसी के बाप में दम नहीं है कि मेरा बाल भी बांका कर सके, मेरे पास एक पैनल ऑफ लॉयर्स है। एंड अगर आपको याद हो तो मैंने अपने रिव्यू में कहा था कि जिस तरह ये शालीन खुद को बहुत बड़ा दादा समझ रहा है, पैनल ऑफ लॉयर्स है, 3 करोड़ की गाड़ी में घूमता है, मैंने कहा था ये खुद को बहुत बड़ा तुर्रम खान या शेर समझ रहा है, और शेर को अक्सर एक सवा शेर मिल ही जाता है। तो आई गेस कल के एपिसोड में सलमान खान अपना सवा शेर वाला अंदाज जो है वो इसको शालीन को दिखा देंगे। बार बार मैं शालीन बोल रहा हूँ तो सुंबुल का नाम आ रहा है, और सुंबुल के लिए जिस तरह आज सुंबुल के पिताजी आए और किस तरीके से वो एकदम ओपनली सारी बातें करके चले गए हैं, अगर इतनी बातें सुनने के बावजूद सुंबुल को अकल नहीं आए तो भाई वो स्मृति मंदिर का फिर कुछ नहीं हो सकता। मुझे पता चला कि लाइव फीड के थ्रू कुछ इनपुट्स आए हैं जहां पर ये फिर से शालीन के पीछे पीछे घूमने लग गई है। खैर, ये जो एपिसोड था वीकेंड का वार का, शनिवार का वार, जहां पर सलमान बन गए थे बॉस। अच्छा, बिग बॉस के जितने भी एपिसोड होते हैं ना, एपिसोड शुरू हो उसके पहले आता है एक डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर में क्या लिखा रहता है कि ये जो एक रियलिटी शो है ये किसी भी प्रकार से लिखित निर्देशित नहीं है, यहाँ पर कंटेस्टेंट जो भी करते हैं वो स्वेच्छा से करते हैं, मतलब उनकी मर्जी से वो लोग ये चीज़ें करते हैं, उन्हें किसी भी तरह से डायरेक्शन नहीं दी जाती है, इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती हैं, कंटेस्टेंट जो भी करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं। भाई साहब कितना बड़ा झूठ है ना, क्योंकि इस डिस्क्लेमर के बाद सलमान खान की एंट्री हो जाती है और जिस तरह से वो एक एंथम की जगह अपना एक गाना बजा देते हैं, कभी साजिद खान से कुछ चीज़ों की चोरी करवाते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शंस डायरेक्शन भर भर के दी जा रही थी, कुछ वो लौकी वाला जूस के, ये करेला का जूस के, ये गाजर का जूस, ये सारे खिलाने वाली पिलाने वाली जो अर्ली मॉर्निंग सेहतमंद वाली कुछ टास्क हो रही थी, कड़वा करेला का जूस या लौकी का जूस या फिर इस तरह की चीजें, जहां पर कुछ और नहीं बल्कि खाना पूर्ति टाइम पास एक्टिविटीज वगैरह चल रही थी। उसके बाद जो साजिद और अब्दू का जो सेगमेंट था जहां पर चीजें चुराओ, पार्टनर इन क्राइम वगैरह, तो ये सारी चीज़ें अपन स्किप कर देते हैं। इसके बाद सलमान खान की घर में एंट्री होती है और सलमान खान यहाँ पर चुगलियाँ जो थी, वैसे बिग बॉस मराठी में चुगली बूथ आता है, आई थिंक उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं फिट करने की कोशिश की जा रही है। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि कितने दोगले हैं ये शालीन, टीना एंड सौंदर्य एंड निमृत वाला गैंग। इन्होंने चुगली करी लेकिन बाद में देखा अपने चोरी, ऊपर से सीना चोरी वाला सेगमेंट, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वहाँ पर ये जो सौंदर्य ने जो अंकित की माँ के लिए बोला था कि उसकी माँ तो मतलब गला दबा लेगी, खून चूस लेगी उसका, जबकि ये सौंदर्य और उनकी खास सहेली निमृत ये हमेशा झंडा लेकर के चलते हैं, डोंट गो पर्सनल, डोंट गो पर्सनल, देखो तुम पर्सनल जा रही हो तो वह पर्सनल जाने का कोई हक नहीं है। आपको याद होगा वो शेखर सुमन जब आए थे तब भी ये निमृत कितना बोली थी, प्रियंका डोंट गो पर्सनल, अपना सुरसा जैसा मुंह फाड़ के ये निमृत पर्सनल जा रही है, पर्सनल जा रही है, और वो बंदरिया वो क्या बोली थी, आई कम फ्रॉम अ सोफिस्टिकेटेड फैमिली, मैं बहुत ही सेंसिबल और रिस्पेक्टफुल परिवार से आती हूँ, मेरे माँ बाप ने ये संस्कार नहीं दिया। वह कुलच्छिनी मंथरा, तेरे माँ बाप ने तेरे को क्या संस्कार दिया है, सबको दिख रहा है, कभी किसी से चुम्मियाँ लेती, कभी किसी को चुम्मियाँ देती है, कभी किसी के चड्डी बनाने वाले जोक पर हंसती, फिर बाद में बोलती है ओ माय गॉड मेरी फैमिली क्या फील कर रही होगी, तेरी फैमिली और तेरे जैसे सब लुखे ही लोग होंगे, एक नंबर के बंदरिया छाप टूथपेस्ट बेचने वाले कहीं के थर्ड क्लास लोग, और इतनी ये मतलब डिस्गस्टिंग है ये सौंदर्य। एक तो इसने गलती मानने के बजाय ऊपर से चोरी पर सीना चोरी कर रही थी, और निमृत जो कि बड़ी बड़ी डींगे हाँकती थी ना कि वो काफ़ी क्लासी है, सेंसिबल है, सही का साथ देती है, और वो गौतम, इन्होंने भी मतलब थोड़ा सा भी होता है ना गिल्ट होता है यार कि हाँ यार हमारे सामने इसने ये बात की थी, इसे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जब ये गौतम बड़ी बड़ी जब बातें करता ना कि बिल्ली की आँख बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाता है, मैं ये सोच रहा था कि गौतम और निमृत में थोड़ा इतना तो होगा यार कि ये लोग पर्सनल गए हैं, थोड़ा सा गिल्ट दिखेगा, माफ़ी मांगेंगे, लेकिन नहीं, उल्टा यहाँ तो ये दोनों मिलकर सौंदर्य को ही सपोर्ट एंड जस्टिफाई कर रहे थे। हालांकि कुछ और भी चुगलियाँ हुई थी, जैसे कि ये टीना अक्सर बोलती रहती ना इसके बारे में, सुंबुल के बारे में, लव लपाटे के बारे में, और इसके बारे में, तो फिर सुंबुल के पिताजी आए और उन्होंने जो डायरेक्शन दी हैं, सुंबुल को इंस्ट्रक्शन दिखाई है, रास्ता दिखाया है, लेकिन कहने को ये शो बिल्कुल भी प्री प्लान नहीं होता है, इस शो में कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, कंटेस्टेंट जो भी करते हैं वो स्वेच्छा से करते हैं, किसी भी प्रकार से नियंत्रित नहीं किए जाते हैं, ये कंटेस्टेंट जो भी विचार या अभिव्यक्ति करते हैं, जो भी रिएक्शन देते हैं, ये इनके खुद के होते हैं, हमारी तरफ से कोई इनपुट नहीं होता। तो क्या हुआ, हमने सुंबुल के पिताजी को भेजा, तो क्या हुआ, हमने कॉलर्स भेजे, तो क्या हुआ, हमने शेखर सुमन को भेजा, तो क्या हुआ, हमने सलमान को भेजा,
हर तरीके से हम सुंबुल को एक ट्रैक पर लाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि वो स्वेच्छा से खेल रही थी, लेकिन हम सिर्फ बोलेंगे कि वहाँ पर कंटेस्टेंट स्वेच्छा से खेलते हैं, हम उन्हें कंट्रोल नहीं करते, लेकिन हम कंट्रोल करेंगे, पिताजी को भेजेंगे, अगले वीक शायद किसी और को भेज देंगे, क्योंकि सुंबुल जो है वो तो छोटी बच्ची है। हालांकि सुंबुल कहती है कि वो छोटी बच्ची नहीं है, बच्चे की तरह उसको ट्रीट किया जाता है, उसे मेच्योर कॉन्वर्जेशन में शामिल नहीं किया जाता। एंड यही सब करके वो कोना पकड़ के रोती रहती है कि भाई मुझे बच्ची समझते हैं। एंड आज जब पिताजी आए और पिताजी के सामने जब सलमान खान ने बोला कि छोटी बच्ची की तरह ये हरकतें करती हैं, तो फिर इन्हें छोटा बच्चा ना बोला जाए तो क्या बोला जाए। हालांकि पिताजी आए सुंबुल के, इसके पहले जब सलमान ने चुगली खोली थी इसकी सौंदर्य की, वहां पर काफी ज्यादा एक टीवी सीरियल वाला एक सीन बन गया था। आई डोंट थिंक कि यहां पर प्रियंका ने जिस तरह से रिएक्ट करा, कोई इतना ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत थी, बिकॉज सांप तो निकल चुका है, लाठी पटपटाने से क्या। आपको अब पता चला कि सांप निकला था, आपको ये तो मान करके चलना ही चाहिए ना कि ये जो डिस्गस्टिंग लोग हैं इनसे आप किसी अच्छी चीज की उम्मीद कर नहीं सकते। बट यहां पर जिस तरह से प्रियंका सौंदर्य को कहीं ना कहीं सुना रही थी, तुम्हारे परिवार ने ये बोला, अंकित काफी अच्छा स्टैंड ले रहा था, आई थिंक उसने सारे 1000 वर्ड या 6000 वर्ड आज ही बोल दिए होंगे, बट यहां पर लोहा गर्म था, थोड़ा हथौड़ा जो है ना वो निम्रत के ऊपर भी चला देना चाहिए था प्रियंका को, कि तो निम्रत तुम बड़ी बातें करती थी ना पर्सनल क्लास। हालांकि उसने बोला निम्रत को कि निम्रत आई एम सॉरी, मैंने आपका नाम लिया चुगली के लिए, लेकिन ये चुगली सौंदर्य ने की, आई विश कि कोई उन्हें बता देता सलमान या फिर मेकर्स की तरफ से कुछ इनपुट आता कि अरे डियर प्रियंका ये जब चुगली हो रही थी ना, अरे प्रियंका वहाँ पर गौतम भी था और निम्रत भी थी रे, तो तुमने जो तुक्का मारा था वो आधा सही था, क्योंकि वहाँ पर चुगली के टाइम पर ये निम्रत भी थी। एनीवे चुगलखोर बंदरिया की जो चुगली रहती है, इसके बाद के जो पिताजी आते हैं वो पहली फुर्सत में शालिन को लपेट लेते हैं, और शालिन देखा आपने कितना मासूम सीधा बच्चा, सर अंकल यही जो शालिन है ये 2 दिन पहले क्या बोल रहा था, किसी का बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, 3 करोड़ की गाड़ी में घूमता हूँ मैं, हाँ साजिद भाई सही बोल रहा हूँ, वो जो रो रहा था ना कंबल में उस दिन, वो मैं नहीं हूँ, अरे मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पैनल ऑफ लॉयर्स है मेरे पास, क्या समझ क्या लगा मेरे को है। अब जब सलमान खान इसको समझाएंगे अपने अंदाज में, वो चीज़ मैं देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार हूँ, मैं ये चीज़ देखने के लिए और ज़्यादा डेस्परेट और बेकरार हूँ कि वो सलमान खान जिसने खुद पिछले सीज़न में मेडिकल प्रोफेशन और एक डॉक्टर को हर एपिसोड में जलील किया था, यही नहीं गीता द नचनिया कपूर को भी बुला लाया था, और उसने तो डॉक्टर उमर रियाज के पूरी फैमिली को ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वॉयलेंट वगैरह का टैग दे दिया था। तो देखते हैं कि कैसे सलमान खान थूक थूक कर चाटता है, जब होस्ट ने खुद एक डॉक्टर को जलील किया, ह्यूमिलिएट किया, बदतमीजी की, तो कंटेस्टेंट तो वही करेंगे भाई, जो आप बड़ों से सीखते हो, जैसे यहाँ जिसने शालिन ने सलमान के पैर भी छूने की कोशिश की, तो वो अपने बड़े से ही सीख रहा है, वही तेवर, वही बुली करना, वही एक्टर को छोड़ करके दूसरे प्रोफेशंस का मजाक उड़ाना, तो जो बड़े करते हैं छोटे वही सीखते हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सलमान खान कैसे थूक कर चाटता है। वैसे यहाँ पर जिस तरह से शालिन कैसे भीगी बिल्ली बने बैठा था, अंकल जी मैंने उसे कुछ नहीं किया और टीना ने कुछ नहीं किया, हम तो मजे ले रहे थे। ये टीना कितनी बड़ी वाली मंथरा है, आप एक बात तो यार आपको माननी पड़ेगी, मेरा ऑब्जर्वेशन कंटेस्टेंट के बारे में कितना परफेक्ट होता है, मुझे कुछ कमेंट्स आते हैं जहाँ पर दोस्त क्यूटनेस का झरना, दोस्त सलमान सर लव यू, सलमान सर लव यू, दोस्तों करने वाले लोग कैसे पब्लिक को मिसलीड करते हैं, कैसे थर्ड क्लास रुखे कंटेस्टेंट को वो एक हाइप बना करके चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं, जबकि हकीकत में आपको मेकर्स का गेम समझना चाहिए, और कंटेस्टेंट जो आते हैं ना ये कितने रियल हैं कितने फेक हैं ये आपको 1-2 दिनों में पता चल जाता है। और मैंने 1-2 दिनों में ही भाप लिया था कि शालिन सिर्फ नाम का शालिन है, हकीकत में वो एक नंबर का गुंडा है, बुली है, और टीना के बारे में ऑलरेडी मैंने कहा था कि वो मंत्रा है, और सृजिता के बारे में मैंने आई थिंक कल या परसों की वीडियो में कहा था कि अगर एलिमिनेशन हुआ तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं, और मुझे पता चला है कि भाई सृजिता जा चुकी हैं, कल उनका एलिमिनेशन हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग वोटिंग ट्रेंड में, ये ऊपर वो नीचे, ये जा रही है गौरी जा रही है एमसी स्टैन ये वो, भाई साहब मेकर्स क्या करना चाहते हैं, किस कंटेस्टेंट को रखना चाहते हैं और किस कंटेस्टेंट को किस उद्देश्य से लाए, ये आपको समझना चाहिए। जैसे कि अब्दू और साजिद, वो वहाँ पर एक तो साजिद अपनी इमेज साफ करने के लिए और अब्दू अपना वो क्यूटनेस का झरना बहाने के लिए है, और आज जो क्यूट हरकतें करवाई वो उसी का एक पार्ट था, और सृजिता को लाए थे ये लोग टीना के साथ अपना एक आपसी राइवलरी या फिर क्लैश के लिए, लेकिन मेकर्स का वो प्लान हो गया फेल, इस वजह से सृजिता कुछ कर भी नहीं रही है, उनका
शी इज़ गुड फॉर नथिंग, तो क्या करें, चलो निकाल दो। एंड आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि पिछले वीक ये जो नॉमिनेटेड सदस्य थे वो उनको एक बचने का मौका मिला था, लेकिन इस बार ऐसा मौका किसी को नहीं मिला, बिकॉज श्रीजिता वॉज डूइंग नथिंग, बस टाइम पास कर रही थी, पालक छांट रही थी या फिर अदरक वगैरह पे कलेश कर रही थी, और टीना के साथ जो पंगा करने के लिए मेकर्स लाए थे उसको वो पंगा वो दे नहीं रही थी, बिकॉज टीना तो उसमें घुस गई शालीन में। और किस तरीके से, आपको याद होगा वो जो एपिसोड था ना, वो जिस एपिसोड में इसने शालीन ने पुश करा था, शालीन वॉज स्टैंडिंग विद सुंबुल इन किचन, कुछ चिकन वगैरह ऐसा कुछ, और सुंबुल वहीं खड़ी थी, एंड टीना आती है शालीन को खींच के ले जाती है कि हम यहाँ ये शिट के लिए नहीं है, वी गॉट टू डू समथिंग, ये वी हैव नॉट कम हियर फॉर दिस शिट, ऐसा करके कुछ बोलती है, सुंबुल वहीं खड़ी रह जाती है। क्या सुंबुल को वहाँ रियलाइज नहीं हुआ था कि ये टीना क्या करना चाहती है, छोटी बच्ची बात तुम्हारे और सुंबुल के बीच में कुछ चल रहा है क्या, ये सारी बातें तो इस मंथरा ने ही पूरे घर में लगाई थी ना, और ये बातों का रियलाइजेशन उसको हो चुका था सुंबुल को, जब पिछले वीक कॉलर्स भी आए थे और शेखर सुमन ने भी कहा था कि तुम्हें किसी नींबू की या शक्कर की ज़रूरत नहीं है, तो समझदार जो होता है ना उसे इशारा काफ़ी होता है। एंड अगर कोई इंसान बार बार हिंट मिलने के बावजूद वही गलती कर रहा है तो मिस्टेक एक बार होती है, दो बार होती है, बार बार अगर वही चीज़ हो रही है तो वो मिस्टेक नहीं है, वो हैबिट है। और सुंबुल से मैं कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर के नहीं चलता हूं कि वो कुछ सुधार ला पाएगी। हालांकि यहां पर मैं मिस्टर तौकीर जो कि सुंबुल के पिताजी हैं उनके प्रति मेरे मन में बड़ा आदर का भाव था, जिस तरह वो समझा रहे थे और जिस तरह से उन्होंने कविता पढ़ी, कहीं ना कहीं मैं इमोशनल हो गया था, क्योंकि अब मेरे पता नहीं जब किसी के पिता को देखता हूँ, बच्चे को समझाते हो, मुझे अपने पापा जी की याद आ जाती है, मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ में थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। और जब ये सुंबुल आई थी अपने पापा के साथ, आपको याद होगा मैंने स्टार्ट किया एक दो रिव्यूज़ में सुंबुल को बहुत अप्रिशिएट किया, बिकॉज मैं सुंबुल की बात जब करता था तो कहीं ना कहीं उसके पिताजी का चेहरा मेरी आंखों में आ जाता था, तो आज भी उनको देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया कि यार बताइए इस इंसान के कलेजे पर क्या बीत रही होगी जब सुंबुल के बारे में ऐसी बातें होती, मुझे अच्छा नहीं लगता उसके बारे में ऐसी बातें करना, लेकिन वो काम ही ऐसे करी तो मैं क्या करूं? अब देख लीजिए सुंबुल कितनी गलत ट्रैक पर जा रही है कि वो लोग जिन पर सुंबुल को एक्चुअली मैं आँख मूंद करके भरोसा था, वो लोग कितने घटिया हैं, वो लोग कितने गलत हैं, और वो शिव ठाकरे जिसके ऊपर ये सुंबुल या फिर बाकी लोग चढ़ पड़ते हैं, आज वो क्या बोल के गए सुंबुल के पिताजी कि शिव तुम एक रियल मराठा हो यार, जिस तरह तुमने सुंबुल को माफ़ करा या फिर माफ़ी मांगी और उसके सर पर हाथ रखा, और अर्चना, जिस अर्चना को इसने शालीन ने पुश करा था उस शालीन के सपोर्ट में खड़ी हो गई थी ये सुंबुल, लेकिन बाद में जब सुंबुल रो रही थी तो यही अर्चना आई थी सुंबुल को समझाने के लिए। तो यहाँ पर सुंबुल को ना सिर्फ रियलिटी चेक बल्कि एक कड़वा सच का सामना हुआ है कि वो जिन लोगों के साथ दे रही है या जिन लोगों के साथ उठती बैठती है वो उसके हितैषी नहीं है, बल्कि वो लोग जिनसे वो लड़ती रही है या जिनको वो टेबल पर खड़े होकर आप सुनते क्या, आप सुनते क्या, आप सुनते क्या, मतलब एक बात तो क्लियर है कि ये जो सुंबुल है इसकी सोचने समझने की शक्ति जो है ना वो लॉस्ट वर्ल्ड डायनासोर हो चुकी थी, उसे जिन लोगों के साथ घुलना मिलना था, जिन लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए था, उसने उन्हीं लोगों से दूरी बना ली, और वो जिन लोगों के साथ उठ रही थी बैठ रही थी ये बिल्कुल वैसा ही था, जिस डगाल पर वो बैठी है उसी को काट रही है। तो यहाँ पर एक चीज़ वापस से मेरे अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि मेरा ऑब्जर्वेशन कितना सटीक था, मैंने कहा भी था कि ये जो सुंबुल है ये अपनी जर्नी के ड्राइवर खुद है और इसने खुद गलत लोग पिक किए हैं। एंड आज थैंकफुली सुंबुल को उसके पिताजी के थ्रू ये मच नीडेड रियलिटी चेक मिल चुका है। अब ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो सलमान खान सोच रहे हो कि मैं क्या करूं भाई, जॉब छोड़ दूं क्या, क्योंकि सुंबुल के पिताजी ने ना सलमान खान से ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को हैंडल किया, काफ़ी अच्छे तरीके से समझाइश दी, और आई थिंक ये एक परफेक्ट होस्ट मटेरियल तो बन ही सकते हैं, आई थिंक मच बेटर देन शालीन, बिकॉज शालीन खुद को होस्ट मटेरियल समझता था, लेकिन मिस्टर तौकीर ने ज़बरदस्त तरीके से साबित कर दिया कि वो जितने अच्छे तरीके से लिखते हैं, राइटर हैं, पोएट हैं, वो उतनी ही अच्छी तरीके से चीज़ों को समझा भी सकते हैं। आई विश एंड आई होप टू सी कि सुंबुल अपने पिताजी की बातों को अमल में लाए और यहाँ से हमें एक नई सुंबुल देखने को मिले, बिकॉज उसके लिए नहीं बट मैं उसके पिताजी के लिए तो डेफिनेटली चाहता हूँ कि सुंबुल जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे। और वैसे तो सुंबुल के पिताजी ने सुंबुल को काफ़ी अच्छे से समझा दिया, लेकिन एक चीज़ आई थिंक वो और कर सकते थे, वो अब्दू का एग्जांपल दे सकते थे, वो तो इस कंट्री का भी नहीं है, उसे हिंदी भी नहीं आती है, इसके बावजूद वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके चल रहा है। एंड देखा जाए तो सुंबुल और अब्दू में कोई बहुत ज़्यादा एज गैप या एज डिफरेंस नहीं है, वो 18 साल की है, ये 19 साल का है, इनफैक्ट इसके ऊपर तो लड़कियां डोरे डालती रहती हैं, कभी कोई लड़की इसको हक करती, कभी निमरत इसको अपना हस्बैंड बोलती है, कभी प्रियंका गोद में उठा लेती है, और टीना तो इसको एकदम
जबरदस्त तरीके से हक करके उसको पप्पियाँ देती रहती है। तो इसकी तो मतलब पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, ये चाहता तो बहक सकता था या फिर बॉन्ड के नाम पर या फिर इक्वेशन के नाम पर उन लड़कियों के साथ ही रहता, लेकिन ये उनसे दूर भगता है, झिझकता है, बिकॉज इसे अपनी इमेज की या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की फिक्र है, कद्र है, फैमिली वैल्यूज़ की कद्र है। वहीं सुंबुल को मतलब हरी झंडी क्या मिली, उसने तो मतलब पल्लू अगर किसी ने पकड़ा है तो कंधे पर चढ़ के बैठ गई। तो यहाँ पर एक चीज़ निकल के आती है, वो है मैच्योरिटी की, जो कि अब्दू में है, भर भर के है, पर सुंबुल में नहीं है। और मैं एक चीज़ और देखना चाहूँगा कि सुंबुल के पापा को भी सुंबुल की आर्मी गाली देगी या नहीं, बिकॉज ये जो पॉइंट सुंबुल के पापा ने रेज करे, हाईलाइट करे कि सुंबुल बेटा तुम में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, जिस तरह से ये शालीन एंड गैंग तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था, पंछी बनूं उड़ती फिरूं उस चीज़ का मजाक उड़ा रहा था, हमको लग रहा था कि तुम उनसे बात नहीं करोगे, लेकिन तुम तो फिर जाके बैठ गई। तो तौकीर साहब, यही सारे पॉइंट मैंने भी हाईलाइट करे थे, लेकिन सुंबुल की जो आर्मी है ना, वो मुझे इतनी गालियाँ दे रही थी, लोग कह रहे थे भाई तू जलता है सुंबुल से। आज मैं देखना चाहूँगा कि कितने सुंबुल के नल्ले वकील सुंबुल के पापा को बोलते हैं कि सुंबुल के पापा भी जलते हैं सुंबुल से। तो एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, सुंबुल की नल्ली आर्मी के लिए ये बात बोल रहा हूँ कि तुम लोग सुंबुल का अच्छा कभी नहीं चाहते हो। और ये चीज़ मैं बार बार कहता रहता हूँ कि जो चमचे होते हैं ना, वो सिर्फ खाने पीने के लिए रहते हैं, उन्हें सही गलत से कोई मतलब नहीं रहता है। ये जिस तरह से सुंबुल के पापा ने आकर के सुंबुल को समझाया है, इससे ना सिर्फ सुंबुल बल्कि सुंबुल की जो नल्ली आर्मी और पीआरटी में ना, उनकी भी आंखें खुल जानी चाहिए, क्योंकि सारे पॉइंट्स जो सुंबुल के पापा ने रेस करे हैं, वही सारे पॉइंट्स मैं भी रेस करता था, लेकिन ये हरामखोर साले हराम के जने मेरे को आके गाली दिया करते थे। अब जाओ सुंबुल के पिताजी को गाली दो जाके, जिस तरह से मुझे गाली देते थे अगर एक बाप के हो तो। तो आज के एपिसोड में यही चीज़ें रही हैं, जहाँ पर सौंदर्या की चुगली और जो घर वालों का जो एक डर्टी साइड है वो कहीं ना कहीं रिवील हुआ है, और जिस तरीके से टीना और शालीन जो है वो सुंबुल का मजाक उड़ा रहे, या फिर ये कहें सलमान खान ने बोला भी कि शालीन कहिए टीना कहिए, ये उतने ज़िम्मेदार नहीं है जितनी ज़िम्मेदार खुद सुंबुल है अपने इस डाउनफॉल के लिए, या जो नेशनल टीवी पर उसका मजाक बना है इसके लिए। एंड इन नॉर्मल परिस्थिति हम ये चीज़ अलाउड नहीं करते हैं, बट सुंबुल के लिए हमें ये करना पड़ा, बिकॉज वो 18 साल की अच्छा दूध पीती बच्ची है, तो भाई यहाँ उसे भेजा क्यों है। यहाँ पर सलमान खान वापस से मेकर्स के ब्लेंडर को कवर करने की कोशिश कर रहे थे, सीधी बात यह है, और ये कोई पहली बार नहीं है। अगर आपको याद हो तो पिछले सीजन में था जय भानुशाली, उसको कितनी ट्यूशन पे ट्यूशन देते थे, याद है ना आपको, सलमान खान कहिए, मेकर्स कहिए, या फिर बाहर से कम्मो पंजाबन और ये सब आते थे, कितना इन लोगों ने ट्यूशन दिए थे जय भानुशाली को। अब वैसे ही ट्यूशन ये लोग सुंबुल को भी दे रहे हैं, और इन दोनों में एक कनेक्शन ये है कि दोनों ही अपने सीजन के हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट में थे, एंड दोनों ही को गेम की समझ नहीं थी, दोनों ही उल्टे ट्रैक पर चलते थे, जबकि उन्हें जिस चीज़ के लाया गया था वो उस चीज़ को नहीं कर पा रहे थे, या फिर कहें नहीं दे पा रहे थे, रॉन्ग ट्रैक पर इनकी गाड़ी जा रही थी। इसलिए जय भानुशाली को भी बार बार ट्यूशन दिए गए, एंड सुंबुल द तौकीर द खान को भी बार बार ट्यूशन दिए गए। तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि मेकर्स ने गांजा फूंक करके ये कंटेस्टेंट पिक कर लिए हैं, उन्हें ऐसे कंटेस्टेंट डिजर्विंग लगते हैं, इंटरटेनिंग लगते हैं, तो फिर आप मेकर्स का जो थॉट प्रोसेस है वो समझ सकते हैं। साथ ही साथ जिस तरह से सुंबुल के पिताजी के थ्रू इंस्ट्रक्शंस दिलवाई गई हैं, तो मेकर्स ने यहाँ पर खुद को ही एक्सपोज कर दिया है कि हाँ ये शो प्री प्लान्ड होता है, हाँ ये शो में डायरेक्शन होता है, इंस्ट्रक्शंस होती है, और कठपुतली से बंधे हुए ये जो कंटेस्टेंट हैं इन्हें मेकर्स कंट्रोल करते हैं। अदरवाइज आप खुद सोचिए, कंटेस्टेंट जो भी करते हैं वो स्वेच्छा से करते हैं, वो उन्हें नियंत्रित नहीं किया जाता है, निर्देशित नहीं किया जाता है, जबकि आज के इस एपिसोड में नियंत्रित भी किया गया, निर्देशित भी किया गया। मेकर्स या फिर जो क्रिएटिव्स या फिर होस्ट नहीं चाहते कि सुंबुल गलत लोगों के साथ रहे, सुंबुल को किन लोगों के साथ आना चाहिए, ये चीज़ें मेकर्स खुद प्लान करके बैठे थे, लेकिन सुंबुल उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही थी, बिकॉज वो अपना होता ना यार कि यार वो मेरे स्टेट का है, मेरी सिटी का है, ये चीज़ हो जाती है भाई साहब। जब मैं फर्स्ट टाइम डी ए के सी रिलायंस में आया था जॉब के लिए, तो मैं भी ढूंढता था कि कोई एमपी का है क्या, कोई इंदौर का या भोपाल का है क्या, तो उस ग्रुप के साथ मेरी बॉन्डिंग बन गई थी, लेकिन अब बाद में कुछ ऐसा हुआ कि मेरी उन्हीं लोगों से मतलब दुश्मनी हो गई, और मैंने यहाँ मुंबई के लोकल जो थे, मुंबई का कहिए, मानखुर्द के कहिए, या चेंबूर के लोग या फिर वहाँ के लड़के, उनसे मेरी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी बन गई थी, बिकॉज मैं बड़ा बातूनी लड़का था और मैं कुछ नया सीखना चाहता था। वैसे ही सुंबुल जब आई नई नई, तो उसने एमपी वाला एक बॉन्ड देख लिया इसके अंदर, लेकिन बाद में और भी कंटेस्टेंट है ना, आप वहाँ पर सिर्फ शालीन के लिए चिकन सेंकने या फिर उसके और टीना के बीच में कूदने के लिए तो नहीं आई, कूदने का भी तो शालीन ने मजाक बनाया था, और उस रिव्यू में मैंने भी कहा था ये पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, तो एक तरफ वो खुद ये बचकानी हरकतें करती है, बचकानी से ज़्यादा बचकान शब्द निम्रत इस्तेमाल नहीं करती, मेरी फेवरेट निम्मो, कितनी जल्दी वो पल्ला झाड़ लेती है। सौंदर्या और ये निम्रत, शालीन, टीना, ये सब एक जैसे हैं। एक बात मैं कहता हूं ना कि क्या एक बात कहता हूं कि पानी से पानी मिले और मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले और मिले नीच से नीच। तो सुंबुल के पिताजी काफी ज्ञानी हैं,
इसीलिए वो समझ गए कि ये जो उनकी लड़की जो है वो गलत संगति में जा रही है, वो नीच लोगों की संगति में जा रही है, उसे ज्ञानी लोगों के साथ, यानी मतलब ज्ञानी से मतलब ही कि थोड़े अच्छे लोगों के साथ आना चाहिए। अच्छे लोग कौन है? अर्चना है अच्छी, शिव है अच्छा, लेकिन शिव को इतना ये लोग दिखाते ही नहीं है भाई साहब। वो बेचारा चुगली भी नहीं कर रहा है तो चुगली दिखाएं क्या। और जिस तरीके से ये आई थी परिणीति चोपड़ा और वो हार्डी संधु का फेवरेट है एमसी स्टैन। परिणीति चोपड़ा की पिक्चर के बारे में सलमान खान ने कितने बड़े गप्पे मार दिए हैं कि फिल्म इज डूइंग ग्रेट, रिपोर्ट्स आर गुड। कौन सी रिपोर्ट्स आर गुड? ये परिणीति चोपड़ा की जो कोड तिरंगा है ये धाकड़ 2 बन चुकी है। आई थिंक धाकड़ का रिकॉर्ड तोड़ देगी ये पिक्चर वर्स्ट या फिर डिजास्टर फिल्मों की श्रेणी में। आई थिंक पहले दिन का कलेक्शन कुछ 30 लाख के आसपास है, उसके बाद सलमान खान बोलते हैं वाओ द फिल्म इज गुड, आई एम गेटिंग सम गुड रिपोर्ट्स। रिपोर्ट से याद आया भाई गॉडफादर साउथ की, वो चिरंजीवी एंड मेगा स्टार सलमान खान, दो मेगा स्टार है भाई साहब। इस हिसाब से तो पिक्चर 7 दिन में कम से कम 500 करोड़ कर लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, वो पिक्चर तकरीबन 7 दिनों में 100 करोड़ के आसपास ही आ पाई है और हिंदी में तो तकरीबन 8-9 करोड़ ही हो पाया। हिंदी फिल्मों के मेगा स्टार सलमान खान ने पहले कंगना रनौत की धाकड़ का प्रमोशन करा और धाकड़ ऊपर जाने के बजाय नीचे आ गई। एंड इन्हीं हिंदी फिल्मों के मेगा स्टार ने साउथ के मेगा स्टार चिरंजीवी की पिक्चर गॉडफादर में कैमियो किया, गेस्ट अपीयरेंस किया, लेकिन वो पिक्चर भी उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। गजब बेइज्जती है। तो यहीं आप देख सकते हैं कि मेगा स्टार का पावर, उनका फेम, उनका नाम क्या असर दिखा रहा है। मतलब जिस फिल्मों का वो प्रमोशन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो पिक्चर ऑन द मूव गिर जाती है। धाकड़ आपने देखी ली, गॉडफादर देख ले, और कुछ दिन में आएगी किसी का भाई किसी की जान, ये भी देख लेंगे कितनी ऊपर ये पतंग उड़ती है या फिर काय पोचे वाले अंदाज में कट के नीचे गिर जाती है। बाकी एक बात तो आपको भी माननी पड़ेगी, मैंने पिछले वीक कहा था जब शेखर सुमन आए थे और कॉल्स वगैरह आए थे, मैंने क्या कहा था कि क्या धीरे धीरे ये लोग सलमान से कन्नी काट रहे हैं क्या? यहाँ पर भी लगभग ऐसे ही लगा, क्योंकि सुंबल के पिताजी को आने की खास जरूरत थी नहीं, लेकिन मेकर्स ने सलमान का बर्डन कम हो जाए इसके लिए यहाँ पर तौकीर साहब को भेज दिया गया, सो दैट आधा काम तौकीर साहब कर दें और बाकी सलमान खान आधा काम, मतलब क्या वो शालीन की बैंड बजा दें बस, क्योंकि शालीन की बैंड तौकीर साहब तो नहीं बजा पाएंगे ना, ये तो सलमान को ही करना पड़ेगा। तो बाकी का जितना बर्डन है वो कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की जा रही है। धीरे धीरे सलमान साहब को बोला जाए कि भाई आप बस आओ, थोड़ा सा मस्ती मजाक कर लो, चुगली वुगली कर दो, बाकी चीज़ों के लिए शेखर सुमन है या फिर किसी कंटेस्टेंट की मम्मी को पप्पा को भाई को बुला लेंगे, फिर बाद में बोल देंगे कि देखो ऐसा है कि हम किसी को अलाउड नहीं करते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस था तो हमने ऐसा कर दिया। दिल को बहलाने को गाले ख्याल अच्छा है, ठीक है चलो ये वीडियो मैं यहीं खत्म कर देता हूं। और वीडियो के फ्लो में मैं ऐसा घुसा कि एक बार भी लाइक का सब्सक्राइब का मैंने बोला ही नहीं, तो प्लीज़ आपने ना मेरी भावनाओं की कदर करनी है और भर भर कर लाइक भी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और मेरे पीछे जो है ना सिल्वर बटन वाला जो होता है बटन को क्या बोलते हैं, शील्ड बोलते हैं, जो भी बोलते हैं झुंझुना अपने को चाहिए भाई, उसके लिए लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें भर भर के। कल मिलते हैं अगले वीडियो में, आपने ये वीडियो देखा समय निकाल के आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू द सो मच।